हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपीडिया इन्फो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है डीएसएसबी रिक्रूटमेंट 2017 वैकेंसी 15,000 प्लस। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दिल्ली सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए आपको dssbonline.nic.in पे जाना होगा। इसमें इम्पोर्टेंट डेट के बारे में मैं बता दिया हूँ, 25 अगस्त से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट 15 सितंबर होगी। फीस 100 रुपीज़ देनी है। आवेदन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, TGT एंड PGT होना चाहिए, और CTET का आपके पास स्कोर कार्ड होना। हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन, इसके लिए आपको DSSB ऑनलाइन साइट पे जाना होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको न्यू वीडियो होगा मैं अपलोड कर दूंगा 25 अगस्त के दिन। तो मैं बात करता हूँ कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने राजकीय स्कूल व नगर निगम के स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DSSB ने करीब करीब 14,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर, सहायक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, वो TGT पदों पर रिक्ति की अधिसूचना जारी करी है। इसमें नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगी। DSSB सबसे अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के स्कूलों में MCD में 4,366 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी लाई है। वो 1,540 स्पेशल एजुकेशन टीचर नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के राजकीय स्कूलों में सबसे अधिक 1,394 प्राथमिक शिक्षक व 919 शारीरिक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बोर्ड ने इस बार एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडलाइंस काउंसलर की बड़ी संख्या में वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है। इसमें 222 पुरुष शिक्षक व 210 महिलाओं शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा TGT PGT म्यूजिक टीचरों की तकरीबन 14,000 से अधिक रिक्तियां DSSB ने जारी की है, जिसमें नियुक्ति के लिए 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। और गौरवतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही DSSB ने शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्नों को पास होने की न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया है। इसके कारण इस बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नए प्रारूप में परीक्षा देनी होगी। तो इस प्रकार से जो भी दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो 25 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास न्यूनतम अर्हता मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आगे के वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।